छोटी मोटी भूख हो, सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय, सैंडविच तो सभी को बहुत पसंद होते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, एकदम फटाफट बनने वाले सुपर क्रिस्पी आलू मसाला सैंडविच। सबसे अच्छी बात, ये सैंडविच बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाले हैं। बिना किसी सैंडविच मेकर, बिना किसी ग्रिल और बिना किसी टोस्टर बहुत ही आसानी से आप आलू मसाला सैंडविच तैयार कर सकते हैं सिंपल तवे पर। साथ ही बताऊंगी बहुत ही स्पेशल सैंडविच वाली एक मजेदार चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेल्दी, टेस्टी और क्रिस्पी आलू मसाला सैंडविच बनाने के लिए हम बनाएंगे आलू मसाला सैंडविच का बहुत ही धमाकेदार और सुपर टेस्टी आलू मसाला। तो उसके लिए पैन में डालेंगे 2 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही आधा छोटी चम्मच सरसों, आधा छोटी चम्मच डालेंगे जीरा। जीरा और सरसों के तड़कते ही सबसे पहले इसमें हम डालेंगे एक प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है। प्याज को बिल्कुल हल्का सा हमें लो मीडियम फ्लेम पर भूनना है। साथ ही इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। सबसे अच्छी बात आलू मसाला सैंडविच की ये है, सबसे टेस्टी और सबसे आसान, कभी भी झटपट आप इसे तैयार कर सकते हैं। बिना प्याज के बनाना चाहे तो पूरी तरह बिना प्याज के भी बना सकते हैं। अब देखिए प्याज हल्की सी हमारी ट्रांसलूसेंट सी हो गई है, कच्चापन निकल गया है। तो इस स्टेज पर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। अगर आप लहसुन नहीं डाल रहे हो तो सिंपल अदरक ग्रेट करके डाल लीजिएगा। अच्छे से सभी चीजों को थोड़ा सा भून लेंगे और साथ ही यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई गाजर और ये मैं डाल रही हूँ 2 से 3 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। बहुत बढ़िया लगेगा, इससे आपका जो आलू मसाला की स्टफिंग तैयार होगी ना, ज्यादा टेस्टी भी लगेगी, हेल्दी भी हो जाएगी। अब यहीं पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच। सभी चीजें आप देख सकते हैं हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। इसी स्टेज पर जब सब चीजें हमारी हल्की सी भुन जाएंगी मैं इसमें डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज के आलू जिनको मैंने इस तरह से रफली क्रश कर लिया है। बहुत ज्यादा मैश नहीं करना है, हल्के से चंक्स रहने चाहिए। बढ़िया से आलू को सब चीजों के साथ करेंगे मिक्स। फ्रिज में उबले हुए आलू रखे हों तो देखे नहीं जाते, लगता है देखते कि फटाफट कुछ ना कुछ बना लिया जाए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उबले हुए आलू देखकर आपके मन में क्या ख्याल आता है। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ मोटी कुटी हुई लाल मिर्च यानी रेड चिली फ्लेक्स, अगर हो तो डाल लीजिएगा, बढ़िया लगेंगे लुकिंग में। 1/2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ अच्छे फ्लेवर के लिए चाट मसाला, अगर चाट मसाला ना हो तो यहाँ पर सिंपल आप आमचूर पाउडर डाल लीजिएगा। 1/2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ गरम मसाला, बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आ जाएगा। मसाला तो एकदम मस्त दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया लगेगा खाने में भी। लीजिए तो मसाला बिल्कुल रेडी है। इसमें फाइनली डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से, इस तरह थोड़ा सा ना दबाकर आप इसे मिक्स कीजिएगा तो थोड़े बहुत जो अगर बड़े चंक्स होंगे तो वो मैश हो जाएंगे। चलिए तो गैस को कर देते हैं बंद, तो मसाले को होने देते हैं ठंडा, फटाफट बनाते हैं सैंडविच की स्पेशल मजेदार चटनी स्पेशल ट्रिक्स के साथ। सबसे पहले आप लीजिए 1 ग्राइंडिंग जार, तो ये मैंने लिया है फ्रेश हरा धनिया अच्छे से धो करके, और ये मैंने लिए 3 से 4 हरी मिर्च जिन्हें मैंने रफली कट कर लिया है, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और लगभग 4 से 5 लहसुन की कली, और ये मैंने लिए लगभग 1.5 बड़े चम्मच फुटाना दाना जिसे हम दालिया भी बोलते हैं। अगर आपके पास ये दालिया यानी ये वाली दाल ना हो तो फिर यहाँ पर आप कच्ची मूंगफली होती है ना वो यूज कर सकते हैं 1 से 1.5 बड़े चम्मच के करीब, या फिर जो नायलॉन सेव होती है ना चाट वगैरह में डलती है बेसन वाली सेव बारीक वाली वो यूज कर लीजिए। और सबसे सुपर ट्रिक जो बाजार के स्ट्रीट वाले भी करते हैं, कुछ ना मिले इन चीजों की जगह आप डाल सकते हैं आधी ब्रेड, इस तरह छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए ब्रेड के और ब्रेड को यहाँ पर फुटाना दाना वगैरह कुछ मत डालिए, इसे डाल दीजिए। इससे तुरंत ही चटनी में गाढ़ापन आएगा, एकदम बढ़िया टेक्सचर आपकी चटनी का हो जाएगा, करके देखिएगा। 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे जीरा, स्वाद अनुसार नमक, और 1/2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ काला नमक, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। फाइनली गया नींबू का रस लगभग 2 बड़े चम्मच, बस 1 बड़ा चम्मच डालिए पानी, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं, एकदम गाढ़ी हमें चटनी तैयार करनी है सैंडविच के लिए। और लीजिए हमारी बहुत ही टेस्टी सैंडविच की स्पेशल चटनी है बिल्कुल तैयार। तो हमारी हरी चटनी तो हो गई है तैयार सैंडविच के लिए, अब दूसरी लाल वाली चटनी और तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ टमाटो केचप, आप लाल चटनी लाल मिर्च लहसुन वाली होती है ना वो भी तैयार कर सकते हैं। टमाटो केचप वाली चटनी जो मैं आपको बता रही हूँ ये सैंडविच में बहुत बढ़िया लगेगी, खट्टी मीठी मजेदार। साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी रेड चिली सॉस, इससे ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, लगभग 1 बड़ा चम्मच। तो लीजिए हमारी सैंडविच की दोनों चटनी है बिल्कुल तैयार। तो चलिए फटाफट बनाते हैं हमारा टेस्टी सा आलू मसाला सैंडविच।
तो हमारा आलू मसाला सैंडविच के लिए सभी चीजें हैं बिल्कुल रेडी। तो मैंने यहाँ पर ली हैं 4 सैंडविच ब्रेड। आप कोई भी आटा ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड कोई भी ले सकते हैं। और ब्रेड पर सबसे पहले हम लगाएंगे हरी चटनी, जो भी हमने तैयार की थी ना, तो बस थोड़ी सी हरी चटनी हम ब्रेड पर इस तरह करेंगे स्प्रेड। और देखिए चटनी एकदम गाढ़ी है, लीजिए। तो इस तरह से लग गई हमारी हरी चटनी। और दूसरी ब्रेड स्लाइस पर लगाएंगे हमारा केचप, जो भी हमने तैयार किया ना, थोड़ा सा हम इसे लगा देंगे। इससे एकदम खट्टा मीठा मजेदार टेस्ट आएगा सैंडविच में। फिर अलग से आपको कोई भी डिप, चटनी, सॉस कुछ भी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस उठाइए खाइए। लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। बस इस पर अब हम लगाएंगे हमारा मजेदार आलू वाला मसाला। को भी बढ़िया से कर दीजिए स्प्रेड। एकदम सिंपल है ऐसे आलू मसाले सैंडविच को बनाना, मुझे तो इतना पसंद है कि लगता है खाने में भी यही खा लो। ये लीजिए, तो आलू मसाला हमारा हो गया है बढ़िया से इस तरह से स्प्रेड। अब ये वाला स्लाइस उठाएंगे ब्रेड का और इसके ऊपर बस इस तरह से रख देंगे। और अब इसको हम सेकेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऊपर वाली सतह पर लगाएंगे थोड़ा सा बटर। इससे ना क्रिस्प बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बढ़िया लगेगा। आप इसे बिना बटर के घी में भी बना सकते हैं, और सच मानिए घी में बनाएंगे तो ज्यादा टेस्टी भी बनेंगे और क्रिस्पी भी बहुत ज्यादा बनेंगे। तो आज इस सैंडविच को हम बिल्कुल सिंपल तवे पर बनाएंगे। तो आप गैस पर चढ़ाइए तवा और तवे को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे और तवे पर डालेंगे थोड़ा सा बटर और इस तरह से करेंगे स्प्रेड। और जिस साइड पर अभी हमने नीचे बटर नहीं लगाया ना, उस साइड से आप सैंडविच को तवे पर रखें और बटर वाला हिस्सा ऊपर रखें। मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से सैंडविच को दोनों साइड से गोल्डन क्रिस्पी सेक लेंगे। और सिर्फ 40 सेकंड्स बाद आप इस तरह से सैंडविच को परत लें। वाह, बहुत ही बढ़िया, सुपर क्रिस्पी आपका सैंडविच इस तरह से तैयार होगा। जरूर बनाइएगा, बस चटनी का ध्यान रखिएगा, वो बिल्कुल पतली नहीं होनी चाहिए। और टेस्ट तो पूछे मत, इस सैंडविच का जबरदस्त आता है। और नीचे से भी बिल्कुल बढ़िया सैंडविच को गोल्डन क्रिस्पी रोस्ट कर लेंगे। और ये देखिए 30 सेकंड बाद ही आप देख सकते हैं, मैं आपको पलट कर दिखाती हूँ। बेहतरीन, एकदम बढ़िया आलू मसाला सैंडविच है बिल्कुल तैयार। तो चलिए इसे उतारते हैं, करते हैं सर्व। और ये देखिए, आप इसका क्रिस्प सुन सकते हैं कि हमारा आलू मसाला सैंडविच एकदम क्रिस्पी, हेल्दी, टेस्टी तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं एक लेयर बहुत ही जबरदस्त देखने में भी लग रहा है, खाने में तो पूछे मत, बहुत बढ़िया लगेगा। आप बिल्कुल समोसे को मिस नहीं करेंगे, ना ही ब्रेड पकौड़े को, जब इस तरह से आलू मसाला सैंडविच तैयार करेंगे। हमारा ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम मुंह में घुल जाने वाला आलू मसाला सैंडविच तैयार हुआ है। और बिल्कुल इसी तरह हम अपना दूसरा आलू मसाला सैंडविच भी सेक लेंगे। तो लीजिए, हमारा दूसरा आलू मसाला सैंडविच भी है क्रिस्पी बनकर के बिल्कुल तैयार। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारा हेल्दी, टेस्टी, सुपर क्रिस्पी आलू मसाला सैंडविच। अब जब भूख लगे फटाफट बनाइए बगैर सोचे, बहुत ही टेस्टी होता है, खाने में एकदम क्रिस्पी लगेगा। और जो चटनी मैंने बनाई है उसके साथ तो इसका टेस्ट पूछिए मत। इसी तरह मैंने आपके साथ बहुत सारे सैंडविच की रेसिपी शेयर की हुई है, सभी वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वो भी जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास ही बनी बेल बटन को साथ ही प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप वीडियो सबसे पहले देख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।